बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने कुकिंग चैनल में खुश आमदीद कहती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपकी खिदमत में फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी लेकर हाजिर हुए हैं, मगर उससे पहले आपने क्या करना है, हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आप मेरी वीडियोज को सबसे पहले देख सके। तो चलिए देखते हैं कि आज की जो हमने रेसिपी है फ्रूट कस्टर्ड, उसमें हमें कौन से इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर होंगे। तो इसके लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने 1 लीटर जो है वो दूध ले लिया है। दूध अभी रूम टेम्परेचर पे है, को हम बाद में बॉईल करेंगे। 1 लीटर दूध, आधी प्याली चीनी, आप इसको हस्बे जरूरत इस्तेमाल करें। कुछ लोगों को मीठा ज्यादा पसंद होता है, कुछ को नॉर्मल, तो ये आप पे डिपेंड करता है, आपने इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। इसके साथ हमने कस्टर्ड पाउडर लिया है बनाना फ्लेवर के साथ। आप किसी भी अच्छी कंपनी का कस्टर्ड पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं और कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं। इसके साथ हमने कुछ सेब ले लिया और उनको इस तरीके से हमने ब्रिक ब्रिक चॉप कर लिया है। एप्पल लिए हैं थोड़े से 1 प्याली, मैंगो लिए हैं, और साथ में हमने कुछ बनाना उसको कट कर लिया है। तो इस तरह से आज के हमारे इंग्रेडिएंट्स ये हैं। तो चलिए अब कस्टर्ड बनाना हम स्टार्ट करते हैं। चलिए व्यूअर्स, अब हम कस्टर्ड को पकाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि एक मैंने बड़ी पतीली ले ली है, उसके अंदर से हम 1 प्याली के करीब या 1 कप के करीब हम दूध बचा लेंगे, जिसमें हमने कस्टर्ड मिक्स करना है और बाकी का सारा दूध हम इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें मैंने 1 प्याली के करीब जो है वो दूध को बचा लिया, और अब ये दूध जो है मैं चूल्हे पर बॉयल होने के लिए रख दूंगी। ये देखें व्यूअर्स, हमने जो दूध है वो बॉयल करने के लिए चूल्हे पर रख दिया है। अब मैं साथ ही क्या करूंगी, इसके अंदर चीनी शामिल करूंगी। अब मैं इसके अंदर चीनी शामिल करने लगी हूँ। आप ये देख सकते हैं कि मैंने इसमें से अभी थोड़ी सी बचा ली है। मैं पहले टेस्ट करूंगी, अगर मुझे फीकी लगेगी तो मैं इसमें और ऐड कर दूंगी। फिल वक्त मैंने आधी चीनी इसमें डाली और आधी बचा ली। अब हम इसको एक बॉयल आने तक पकाएंगे। ये देखें व्यूअर्स, हमारा जो दूध था वो बॉयल हो रहा है। अब जब तक दूध बॉयल हो रहा है, साथ में हम कस्टर्ड को दूध में मिक्स कर लेते हैं। तो चलिए कस्टर्ड को मिक्स करते हैं। ये देखें व्यूअर्स, उसी बचे हुए दूध में मैंने क्या करना है, ये पैकेट खोलकर इसके अंदर शामिल कर देना है। तो चलिए अब हम इसमें मिक्स करते हैं। ये देखिए मैंने खोल लिया, इसके अंदर मैं इसको डाल रही हूँ। तो सारा पैकेट हमने इसके अंदर शामिल कर देना। ये देखिए अब मैंने इसमें अच्छे से डाल लिया। अब डालने के बाद चम्मच की मदद से हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करते हुए हमने इस बात का ख्याल रखना है कि कोई भी इसमें लम्स या गुठली ना बने। अब हमारा जो कस्टर्ड है वो अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसको करते हैं साइड पर। ये देखें व्यूअर्स, हमारा जो दूध है ये बॉयल हो चुका है। अब हम इसके अंदर साथ ही कस्टर्ड शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कस्टर्ड बनाते हुए आपने ये ख्याल करना है कि इसमें कोई भी गुठली या लम्स ना बने, और ये हमारा कस्टर्ड जो है वो अच्छे से पक कर तैयार हो जाएगा गाढ़ा, क्योंकि इसमें कोई लम्स नहीं है, ये आप देख सकते हैं। अब हम इसे 1 से 2 मिनट मजीद पकाएंगे। जैसे ये गाढ़ा होगा तो हम चूल्हा बंद कर देंगे। बस आपने कंटिन्यूसली लगातार जो है इसके अंदर चम्मच चलाते जाना है। बस कस्टर्ड की यही खूबी है कि एक इसको मिक्स करते हुए कोई लम्स ना बने, और एक इसको बनाते हुए आपने चम्मच चलाते जाना। आप जैसे ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, कोई लम्स नहीं है इसमें गुठली। तो बस अब हम इसको बॉयल आने तक का वेट करेंगे और इसको उतार कर ठंडा कर लेंगे। ये देखें व्यूअर्स, हमारा जो कस्टर्ड है वो बिल्कुल पक चुका है। पकने के बाद मैंने इसको उतार लिया है चूल्हे से। अब हम इसका थोड़ा सा ठंडा होने का इंतजार करेंगे। इसको हम थोड़ा सा ठंडा करते जाएंगे इस तरह हिला के, और फिर इसको बाउल में निकाल लेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से पका है, इसमें कोई गुठली वगैरह नहीं है। ये देखें व्यूअर्स, हमारा जो कस्टर्ड था वो मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है। तो तब तक हम क्या करते हैं, एक बाउल को रेडी कर लेते हैं जिसमें हमने अपना कस्टर्ड सेट करना है। अच्छा, जो बाउल सेट करना है वो आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, जिस तरह आपको पसंद हो, लेकिन मैं एक टायर लगाऊंगी इसकी और फिर कस्टर्ड, देन अगेन फ्रूट हम जो है सेट करेंगे। तो चलिए अब हम इसको सेट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बनाना को मैंने सेट कर लिया। उसके बाद में हम मैंगो क्यूब्स रखते जाएंगे। मैंगो क्यूब्स हमने बहुत ज्यादा नीचे नहीं सेट करने, मैं इसको ऊपर करूंगी। आपको जौन सा भी फ्रूट पसंद हो आप वो लगा सकते हैं, लेकिन आज का जो हमारा कस्टर्ड है वो बनाना कस्टर्ड है, तो हमने उस
फ्रूट का इस्तेमाल लाजमी किया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, इसके साथ एक एक एप्पल जो है वो मैं लगाती जाऊंगी, टुकड़ा एप्पल का। ये देखिए, अब बाकी जो बचे हुए फ्रूट्स वो मैं कस्टर्ड की लेयर लगाने के बाद दोबारा से इसके ऊपर ऐड करूंगी। ये देखिए व्यूअर्स, हमारा जो कस्टर्ड है ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब मैं इसको बाउल में जो है डाल रही हूँ, सर्व करूंगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब ये मैंने इसको सेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, एक लेयर जो है वो मजीद फिर से एक फ्रूट की लगाएंगे। जैसा कि हमने आपको स्टार्ट पे बताया था, डेकोरेशन का तरीका आपका अपना भी हो सकता है, जो आपको पसंद हो। अब फिर से मैं इसके ऊपर कस्टर्ड डाल रही हूं। अब ये मेरा एक बॉल सेट हो चुका है, इसको मैं करती हूँ साइड पर। अब हम लास्ट पर मैंगो लगाएंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखें व्यूअर्स, हमारा फ्रूट कस्टर्ड जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको हमने बाउल में डालकर अच्छे से सेट कर लिया है। अब मैं इसको फ्रिज में रखूंगी तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से चिल हो जाए और के खाने में बहुत ही मजा दे। तो इसके साथ ही आज की हमारी ये वीडियो कम्प्लीट होती है। कल इंशाल्लाह एक बार फिर नई वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। लेकिन जाने से पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। इसको घर पर ट्राई करें और हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।